मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू मार्केट इंग्लिशिया लाइन कैंट में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति पूर्व सचिव स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम की छठी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में स्वच्छता संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने सभी को स्वच्छता संकल्प दिलाकर कहा कि स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम का जीवन रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के लिए समर्पित था। अभी काशी में होने वाले G20 आयोजन में पटरी व्यवसायियों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति सचिव अभिषेक निगम विस्तार पूर्वक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जानकारी दी। ऑनलाइन फूड सर्विस स्विगी और जोमैटो से जोड़कर अपना व्यवसाय में वृद्धि करने के साथ ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करने को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नीरज चौबे राष्ट्रीय महासचिव कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव संरक्षक फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति, महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ विद्यासागर राय, महानगर अध्यक्ष भाजपा अजीत प्रताप सिंह, प्रदेश संयोजक रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ भाजपा आदि उपस्थित थे। राष्ट्र के प्रथम स्वच्छता सहित स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम जी की छठवीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में स्वच्छता संकल्प सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के हजारों हजार स्ट्रीट वेंडर यहां उपस्थित होकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता के साथ साथ अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करने का संकल्प लिया। आगामी G20 सम्मेलन में हम पटरी व्यापारी एक उदाहरण पेश कर सकें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार कर सकें, ऐसी तमाम तरीके की चीज़ों पर आज जागरूकता फैलाई गई है और तमाम लोगों को जागरूकता के प्रति डस्टबिन रखने के लिए अवेयर किया गया है, वेंडिंग स्थल को साफ सुथरा रखने के लिए अवेयर किया गया है। CMO साहब उपस्थित हुए थे, उन्होंने स्वास्थ्य योजना से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी हैं और तमाम तरीके की बातें यहां सामाजिक संगठनों ने अपने अपने तौर तरीके से कहने का काम किया है।